हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोजी स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विदाउट पेन एंड पेपर। हम कोई भी एग्जाम देते हैं, मैं बात एसएससी बैंक पीओ इनकी नहीं कर रही, कोई भी एग्जाम हो छोटे से लेकर बड़ा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हमें करने ही होते हैं, तो हमारा वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। तो हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्क्वायर निकालने के लिए कि आप विदाउट पेन पेपर सेकेंड्स में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आपका, सिंपली छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ 39। तो इसमें मैं आपको दो मेथड बताने वाली हूँ, चलो देखते हैं हम पहला मेथड क्या है। तो फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, इससे इसके नियरेस्ट ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर आपको पता हो। तो हम इसे पहले बीच में लिख लेंगे। तो 39 के नियरेस्ट हमें ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमें पता है वो है 40। ठीक है, इस मेथड में आपको ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतने से इतने तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से 10 तक सबको याद होते हैं, बस वही इसमें रूल अप्लाई होगा। और अगर इसमें हम +1 कर रहे हैं, ये +1 40 है, तो इसमें हम सेम -1 भी करेंगे और ये हो गया 39। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 40 × 38। मैं यहाँ पे पेन और पेपर का यूज़ कर रही हूँ, जस्ट मुझे आपको बताना है, लेकिन ट्रस्ट मी आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको सेकंड में विदाउट पेन और पेपर कर सकते हैं। जब हम इसका दूसरा एग्जांपल करेंगे तो हम इसे इजीली कर लेंगे। तो अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका 0, 1520। अब हमें ये देखना है कि हमने यहाँ पे कितने ऐड या सब्सट्रैक्ट करके नंबर बढ़ाया था। तो 1 हुआ था तो हमें इसमें 1 का स्क्वायर ऐड कर देना। अगर ये नंबर 2 बड़ा होता तो हमें +2 स्क्वायर करना होता ऐड। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1521। ओके, अब इसका मेथड 2 अप्लाई करते हैं हम। तो जब हम मेथड 2 करेंगे तो ये हो गया 39। तो ए 3 को मान लेंगे हम ए और 9 को मान लेंगे बी। तो हमें ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जब ये सबको ही पता होता है ए स्क्वायर, यहाँ पे मैं प्लस की जगह स्लैश यूज कर रही हूँ, ये हो गया 2ab और ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर +2ab + b². तो ए स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9, 2ab यानी 239। तो ये हो गया आपका 54 और बी स्क्वायर हो गया आपका 981। तो आपको क्या करना है, इसको वंस मानना है, इसको टेंस मानना है और इसको 100 मानना है, इकाई दाई और सैकड़ा इस तरीके से मानना है और उसको ऐड करना है। तो इकाई में सबसे पहले आपका ये हो जाएगा 1। ठीक है, दाई के लिए आपको 54 में 8 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 62। 62 जब ऐड करेंगे तो 2 आप लिख लेंगे और 6 कैरी होगा जो 6 इसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1521। ये आपका इसका स्क्वायर निकल चुका है। लेकिन ये जो मेथड है इसको ये थोड़ा लेंदी पड़ता है बजाय इसके, तो आप कोशिश करिए कि आप इसी मेथड से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया बाय द वे 77 का, तो हमें 77 का स्क्वायर लेना। अब आप दोनों इसमें कंपैरिजन देखना, मैं किसे कितनी, तो 77 के आसपास कौन सी ऐसी डिजिट है जिसका आपको स्क्वायर पता होगा, तो 80 आप इसे ले लीजिए 80, ये हो गया 77। तो जब +3 किया है तो आपको मैंने बताया -3 भी करना है, तो ये हो गया 74। अब जब आप 80 और 74 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5920। और मैंने बताया जितना ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका स्क्वायर हमको ऐड कर देना है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया आपका 5929। आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे और फिर इसी मेथड से आप दूसरे मेथड से मैं करने की कोशिश करती हूँ। जब दूसरे मेथड से हम करेंगे तो फिर 77 का स्क्वायर, ये हो गया ए एंड ये हो गया बी। तो ए हो गया ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया 49, 2ab हो गया 49 × 7 × 7 × 2, तो ये हो गया 98 एंड बी स्क्वायर हो गया आपका फिर से 49। तो ये मैंने बोला वंस, ये टेंस एंड ये 100, इकाई दहाई और सैकड़ा। तो इकाई में आपको 49 लेना है तो 49 की जगह आप केवल 9 लेंगे और दहाई में ये 98 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 102। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये 10 कैरी हो जाएगा जो कि 49 में जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा
5929। तो आपने देखिए चुटकियों में इसका आंसर निकाल लिया है, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये मेथड आपको कुछ फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड लक फ्रेंड्स।